हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सीताफल की सब्ज़ी। तो सीताफल की सब्ज़ी हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, और अभी देखिए ये हमारे खेत में लेके आए हैं, और यहाँ से हम ये सीताफल, ताज़ा सीताफल काट के अभी बनाएंगे, इसको दिखाएंगे आपको कैसे बनाना है। तो ये देखिए, हमने सीताफल की जो अंदर का जो सारा चीज़ है वो हमने निकाल दिया है काट के, और इसको एक कुकर जैसा अभी हमने बना दिया, और अभी हम मसाला बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से मसाला सारा बना लेना है, मछली वगैरह से हम ऐड कर रहे हैं इसमें। तो देखिए ये मछली और सारे मसाला भी हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद कद्दू के अंदर डाल के फिर इसको ढक्कन लगा के फिर इसको बनाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियो में, और एक नया रेसिपी आपको सीखने को मिलेगा। और अभी देखिए ये हमने सारा चीज़ें मिला दिया है, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से मिला लेना है। अदरक, प्याज और लहसुन की पेस्ट बनाया था वो भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। और नीचे के साइड में आप देख सकते हैं मछली के पीसेस भी दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करके इसको हमें मिक्स करना है हाथ से। तो अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर हमें कद्दू के अंदर इन सारी चीज़ों को डाल के फिर इसके ढक्कन को लगा देना है। ये इसको अंदर डाल दिया जा रहा, ये हम गैस चूल्हे में पकाएंगे, लकड़ी का आग में भी पका सकते हैं, पर हम तो गैस चूल्हे में आज पकाएंगे। तो ये हमने सीताफल के ऊपर जो ढक्कन था, ढक्कन आटा से लगा दिया गया, और इसलिए कि गैस बाहर ना आ जाए। गैस बाहर आने पर उसके अंदर का जो डाला गया वो पकेंगे नहीं सही ढंग से, इसलिए आटा डाल दिया गया। अब हम गैस ऑन करेंगे। ये हम धीमी आंच में आधा घंटा तक पकाएंगे। अब हम धीमी आंच में आधा घंटा पकाएंगे, आधा घंटा बाद फिर इसे बाहर निकाल लेंगे। आधा घंटा हो चुका है, मुझे लग रहा है 10 मिनट और चाहिए इसमें, यानी कि 40 मिनट में तैयार हो जाएगा। अब देख सकते हैं आधा घंटा धीमी आंच में पकाया, आवाज़ थोड़ा बढ़ा दिया 10 मिनट के लिए। अब देख सकते हैं इसके अंदर इतना टेस्टी होता है, ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनता है। ये पूरा 50 मिनट हो गए, अब हम इसे बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए पूरा पक चुका है, और ये सीताफल जो है ये पूरा गल के खीर की तरह बन गई, और ये खाने में भयंकर टेस्टी होती है।
तो दोस्तों देख सकते हैं सब्जी कुछ इस टाइप का बना हुआ है और कितना टेस्टी है लग रहा है दिखने में और खाने में भी इतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम लाते रहते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो पे।